देखो, हाल ही में रिलीज हुई एक पेन इंडिया फिल्म देवराज, जिसका लोगों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आरआरआर के बाद जूनियर एनटीआर हमें इसी फिल्म में नजर आने वाले थे और आरआरआर के बाद जूनियर एनटीआर को काफी पसंद भी किया गया था, तो लोगों को उनकी आने वाली फिल्म का बहुत इंतजार था। और 2 साल के बाद उनकी एक बिग बजट मूवी आई है, तो जानते हैं मूवी कैसी है। देखो, सच कहूँ तो मूवी का स्केल बड़ा कर देने से मूवी बड़ी नहीं बन जाती। वैसे तो मूवी बड़ी ही है, जिसमें साउथ से लेकर बॉलीवुड के जाने माने एक्ट्रेस दिखे हैं, लेकिन पूरी मूवी इन बातों पर कहीं ना कहीं स्टैंड करने से चूक जाती है, जिसका मेन कारण अगर आपको बताया जाए तो मैं कहूंगा स्टोरी। अब देखो, इस मूवी में कोई भी ऐसा थॉट नहीं है जो किसी मूवी से उठाया ना गया हो। स्टोरी से लेकर स्केल तक एक ऐसी कोशिश की जाती है कि हमें एक्शन, ग्लैमर, स्टोरी, ट्विस्ट और टर्न सब कुछ देखने को मिले। लेकिन यहीं पे मूवी के मेकर्स गलती करते हैं। मूवी में सब है जो मास ऑडियंस को पसंद आता है, लेकिन आप ये सोचने से रह जाते हो कि आखिर हमारी मूवी में नया क्या है। जो ज्यादा ऑडियंस को पसंद आए, लोग उस मूवी को याद रखे और जब उसका दूसरा पार्ट आए तब उस मूवी को बेसब्री से देखने जाए। लेकिन अफसोस के साथ मूवी में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, कुछ एक्शन सीक्वेंस को छोड़कर, जैसे कि वो शार्क वाले सीन्स जो काफी अच्छे थे, लेकिन उसके अलावा हमें कुछ नया देखने को नहीं मिलता। मूवी का फर्स्ट हाफ जैसे चला जा रहा है, लेकिन मुझे पूरे फर्स्ट हाफ में कहीं भी 1% भी इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि पहले हाफ में हमें देवरा की कहानी दिखाई जाती है जो काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल थी, जैसे आपको पहले से ही कहानी के बारे में पता हो, और सेकंड हाफ भी वैसे ही कुछ ट्विस्ट और टर्न्स के साथ खत्म हो जाता है, जो कि फिर से हमें पता चल ही जाता है। अब इस सब में मुझे प्रॉब्लम स्टोरी की ही लगी, क्योंकि पूरी मूवी में जितना हो सके उतना स्टोरी को खींचा गया है, जिसकी वजह से मूवी लगभग 3 घंटे की बन जाती है, जिसकी जरूरत नहीं थी। अगर कुछ सीन्स को, कुछ नहीं कई सीन्स को खींचने की बजाय थोड़ा शॉर्ट कर देते तो ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहता। लेकिन जहां मूवी में जूनियर एनटीआर है उनको देखकर मजा जरूर आता है, और उनके अलावा जाह्नवी कपूर को तो सिर्फ ग्लैमर के लिए ही रखा गया है, जो मूवी में सिर्फ सब्जी में नमक की तरह थी, उनको बस मूवी में स्वाद बनाए रखने के लिए रखा गया है, उसके अलावा मूवी में उनका कुछ काम नहीं है। और सैफ अली खान को नए अवतार में देखकर बड़ा मजा आता है, उन्होंने काफी अच्छी तरीके से अपने कैरेक्टर को संभाला है। उसके अलावा अनिरुद्ध का म्यूजिक जो काफी अच्छा है, लेकिन वो भी मूवी को बैलेंस करने में काम नहीं आता, लेकिन लास्ट में जब ट्विस्ट आता है तब काफी अच्छा लगता है। बाकी इस 300 करोड़ की मूवी में कई सारी खामियां है जो आपको ऐसे ही नजर आ जाती है। और एक बात और, अगर आपने ट्रेलर ध्यान से देखा है तो पूरी मूवी आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी। और हां, मूवी के लास्ट में आपको कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा वाला क्वेश्चन भी दे जाती है, जिसे आप अगले पार्ट का इंतजार करो। बाकी मास ऑडियंस जिनको स्टोरी से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वैसे लोग इस मूवी को ज्यादा एंजॉय करेंगे। वैसे भी कुछ हफ्तों से कुछ आया नहीं है, तो आप एक बार तो देख ही सकते हो। और आखिर में वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय।